मार्च का महीना आ गया है, चंद दिनों के बाद होली है, लेकिन कुदरत का मिजाज लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। मौसम के बिगड़े मूड का शिकार बन रहा है उत्तर भारत, जहां पहाड़ी राज्यों में फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाके पानी से तरबतर हो रहे हैं। बची खुची कसर ओलावृष्टि पूरा कर रहा है। सबसे पहले बात बर्फबारी की करते हैं, जिसने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को फिर से बर्फ की तरह ठंडा कर दिया है। उत्तराखंड में सभी ऊंचाई वाले जिलों में स्नोफॉल हो रहा है। पहले से ही कई फीट बर्फ से दबा मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली ताजी बर्फबारी से और भारी हो गया है। केदारनाथ में भी बर्फबारी से राहत कार्यों में मुश्किल बढ़ गई है। उत्तरकाशी में हर्षिल मुखबा भी सफेद हो चुके हैं तो मसूरी के पास धनौल्टी और बुरांश खंडा में भी बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश भी पिछले एक दिन से हिम प्रदेश बन चुका है। लाहौल स्पीति कुल्लू और शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ऊंचाई वाली जगहों पर कुदरत आसमान से सफेद आफत बरसा रही है। शिमला जिले के नरकंडा में ताजी बर्फबारी हुई है, कुल्लू के खनाग और सोलंग वैली में भी स्नोफॉल हो रही है तो लाहौल स्पीति का सिस्सू इलाका भी ठंडा पड़ चुका है। अब बात मैदानी इलाकों की, जहां दिल्ली एनसीआर समेत कई दूसरे शहरों में जबरदस्त बारिश के बाद तापमान ऐसा गिरा कि लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अजमेर, गाजियाबाद, देहरादून और लुधियाना में इंद्रदेव की मेहरबानी मुसीबत की कहानी बनकर सामने आई। दिल्ली में कई जगहों पर लंबा चौड़ा जाम लगा। मौसम विभाग का अलर्ट है कि शनिवार तक कुदरती हालात यूं ही बने रहेंगे। खतरा ये है कि कहीं मौसम का बिगड़ा मिजाज होली के रंग को बेरंग ना कर दे। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ सुनील सिलवाल, मसूरी आज तक।